28 नवंबर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहर फारूक की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल जसका पसरूर और सियालकोट में खाद डीलर्स की जानिब खादे जखीरा करने और ब्लैक करके जायद कीमत पर फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन। यासर अली की रिपोर्ट के मुताबिक 39,712 DAPs और यूरिया के बैग बरामद कर लिए, 7 खाद डीलर्स को सरबहर कर दिया, 2 डीलर्स के खिलाफ होल्डिंग और ओवर चार्जिंग पर मुकदमा दर्ज, जबकि मुख्तलिफ स्टोर्स को मजमुई तौर पर 9,09,000 रुपए जुर्माना किया। डिप्टी कमिश्नर ताहर फारूक ने कहा कि खादों को ब्लैक में फरोख्त करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में तश्कील दी गई खसूसी टीम में मुख्तलिफ इलाकों में अचानक छापे मार कर डीलर जखीरा अंदोजों और नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जिले सियालकोट में DAP और यूरिया की डिमांड और सप्लाई पर नजर रखी जा रही है।